नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हरियाणा राज्य का ये गांव पड़ता है नरकतारी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस वक्त भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। वो बाण गंगा भी दिखाएंगे और भीष्म पितामह का वो पार्थिव शरीर भी यहाँ पर आप आपको दिखाएंगे। लगातार आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ का व्यू मैं आपको अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये प्राचीन मंदिर श्री विराट भगवान दिगंबर देश राजपुरी। तो देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें जिस स्थान पर हम खड़े हैं यह कुरुक्षेत्र की वो भूमि है जहां पर कि महाभारत का युद्ध हुआ था। दोस्तों, अर्जुन और भीष्म पितामह के साथ 10 दिन तक युद्ध होता रहा। 11वें दिन अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों की सरसैया पर भीष्म पितामह विराजमान होकर जल की इच्छा प्रकट की। दोस्तों, आपको बता दें, और तब वहां पर अर्जुन ने एक बाण जमीन में मारा और गंगा माँ का आह्वान किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों, वहाँ पर गंगा प्रकट हुई तो भीष्म पितामह ने गंगा माँ को प्रणाम किया और जल पिया। गंगा माँ के दर्शन करने के बाद इसके पश्चात गंगा जी अदृश्य हो गई। तब से इस भूमि का नाम भीष्म कुंड और बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अंधकार में और शुक्ल पक्ष प्रकाश में। महाभारत पक्ष की एकादशी को कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस भूमि पर अर्जुन और भीष्म पितामह अर्जुन के साथ 10 दिन तक युद्ध करते रहे। 11वें दिन बाणों की सरसैया पर विराजमान हो गए। एक महीना 26 दिन तक लेटे रहे और उत्तरायण का इंतजार करते रहे। दोस्तों, बसंत पंचमी के बाद अष्टमी के दिन भीष्म पितामह स्वर्ग लोक को चले गए। 4 दिन तक द्रोणाचार्य ने और 2.5 दिन तक शल्य ने, कर्ण ने 1.5 दिन तक युद्ध किया। 18 दिन तक युद्ध होता रहा। तो दोस्तों, युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर को वैराग उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात सरसैया पर पड़े हुए युद्धवीर भीष्म पितामह ने सबको ज्ञान कर्म उपदेश धर्म के मार्ग पर शास्त्रों की चर्चा की, इस तीर्थ पर प्रस्तुत किया। धर्म का वास्तविक रहस्य समझने वालों के लिए भीष्म पितामह का यह अंतिम उपदेश बड़ा ही लाभकारी और महत्व का है। यह भूमि कुरुक्षेत्र के 48 कोस तक फैली हुई है और मध्य में भीष्म कुंड बाण गंगा है। दोस्तों, आपको बता दें, यह भूमि कुरुक्षेत्र के 48 कोस के दायरे में फैली हुई है।
इसके मध्य में रणभूमि स्थल है, इसलिए यह युद्ध भूमि नरकतारी से शुरू होकर अंत में नरकतारी में ही समाप्त होती है। इस भूमि को लाल भूमि भी कहा जाता है, लेकिन पहले यहाँ पर लाल मिट्टी हुआ करती थी, अब वो मिट्टी विलुप्त हो गई है। महाभारत का वह युद्ध 5000 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, आज भी यहाँ पर तमाम सैलानी आते हैं और अर्जुन और भीष्म पितामह, जैसा कि आप सामने वीडियो के माध्यम से देखते हैं, इनके बताए गए बातों का अनुसरण करते हैं और इनके दर्शन के लिए तमाम प्रांतों से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। अच्छा, कहाँ से आए भैया आप लोग? यहाँ आने के बाद कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये लोग राजस्थान से आए हुए हैं और काफी लोग इसी प्रकार से देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर बाणगंगा को देखने आते हैं, भीष्म पितामह को देखने आते हैं। तो देखिए, वीडियो के माध्यम से ये बहनें कुछ अपने विचार रखना चाह रही हैं, बताइए जरा। मैं ये विचार रखना चाहती हूँ कि ऐसी यात्राएं करने से हम हमारे हिंदू धर्म को पहचानते हैं और इससे हमारे धर्म को और हम आगे बढ़ा सकते हैं और विश्व में हमारे धर्म का परचम लहरा सकते हैं। हिंदू धर्म की जय हो, हिंदू होने पे हमें गर्व है। अच्छा, ये बताइए, इतनी गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारी जो ऑडियंस देख रही है, इसके बाद इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और आज के जनरेशन को ये सब देखना बहुत जरूरी है, जिनको कम पता होता है, जो नहीं जानकारी नहीं जानकारी जैसे हमारे बच्चे हैं उनको भी जानते, हम भी नहीं जानते, हम भी यहाँ आके। चलो, बहुत सुंदर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, जब आप भीष्म कुंड या बाण गंगा जिसे कहते हैं दर्शन के लिए आए, तो यहीं पर ये मंदिर बना हुआ है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, आप इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करें। और हालांकि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश की और आपको पूरा मंदिर इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी। तो दोस्तों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप यहाँ आएँ तो इस मंदिर में ज़रूर जाएँ। काफ़ी सुंदर यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई हैं और दोस्तों, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, सभी श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। हमने भी मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे जानने वाले हैं या मेरे शुभचिंतक हैं, सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।